उठ, इसको बाल पकड़ के जाना पड़ेगा। उठ, उठ, भाई सेकंड कॉपी भी लेनी होती है ना, इतनी सेकंड कॉपी भी मत ले कि सेकंड कॉपी शर्मा जाए बहन जो। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मेरा जिम ब्लॉग है। सोचा है मैंने आज एक जिम का अंदर का ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत टाइम से कहीं वैसे घूम फिर तो नहीं रहा हूँ, तो सोचा तो जिम पर रोज ही आ रहा हूँ तो एक जिम में वैसे नॉर्मल ब्लॉग बना लेता हूँ, ऐसा नहीं बच्चों के थोड़ा बहुत बन गया। तो अभी हमारा जिम इधर एक तो इस तरफ है, इस तरफ पूरा मशीन वाला सेक्शन है, स्पीकर इधर लग रखा है और बाकी वेट और जो चाहता है प्लेट्स वाला सिस्टम इधर है अपना। तो आज अपनी एक्सरसाइज है शोल्डर और लेग्स की, तो आज करते हैं पहले शोल्डर में कितने क्या क्या करनी है, तो करते हैं कैसे करते हैं तो बाकी देखते हैं ब्लॉग में, पहले देखते हुए कितना हो रहा अपना। अभी तो एक हफ्ता बीमारी चल रहा था भाई, फोन वगैरह सेट अप कर। कल तो भाई 64 था, कपड़ों हो गए 7-64 कपड़ों का। पच्चीस किलो के डंबल ढूंढना बड़े मुश्किल जाते हैं, यहाँ सबसे भारी डंबल ही है 50 kg का, यार 25 में एक तो वो भी नहीं है ना, उस तरफ लगे नहीं रहते तो ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते, मतलब उसके जो वेट वाला है वो साइड का वो निकल गया है ना। इसमें आराम से 10 रैप निकल गए, 2-3 रैप और निकल सकते थे, तो अभी 30 के लिए ट्राई करता हूँ, 30 में शायद 4 या 5 रैप निकल जाएंगे, तो ट्राई करके देखता हूँ। और ये है यहाँ, और ये हमारे ट्रेनर साहब, ये अलग ही पसंद में रहते हो अपने, तो अभी ट्राई करते हैं 30 किलो शोल्डर प्रेस में कैसा होता है देखते हैं। पकड़ सारी रात निकल पाए, देख के आ रहा था वैसे तो 63 बॉडी वेट पे 30-60 किलो का थोड़ा सा ठीक है, और ये स्किन का कल्चर की बढ़ रही है। पिछले बार एक बार और ट्राई करते थे, बिल्कुल पानी छाई करते थे, आज के थोड़ा वैसे भी अभी
हाँ सर, वेट 65 भी था। तभी कुछ दिन से बीमारी चल रहा है, जब तक बिल्कुल बीमार था तो वो भी वेट कम हो गया, मगर थोड़ा वक्त तो बाकी वेट भी कम हो गई। तो ये वो तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, अब देखते हैं। क्या घूम रहा है? एक्सरसाइज कर रहे हैं, लात मत खाएगा। देखिए ये आलसी आदमी साला एक्सरसाइज नहीं कर देता, मार मार के करानी पड़ती होता है ऐसे। चलो आगे करते हैं। यहाँ पर अभी बकचोदी कर रहे हैं, छत छूने की कर रहे, खड़े खड़े देखते हैं। चलो रैलिंग छूने की, भाई साहब ये पिछले हफ्ते तक ना छू नहीं पाता था, कार्डियो का काम कर रहा है। एक ये है, ये एक तो खड़े खड़े छू देते उनका हाथ। ये मैं नहीं चुनूंगा, मैं नहीं चुनूंगा भाई। यार एक दिक्कत आ रही है, कल चेस्ट थी तो थोड़ा ओवरलोड था, तो पहले से यहाँ पर थोड़ी हल्की हल्की इंजरी हो ही रखी थी। कल मारा था, हल्की इंजरी हुई थी, आज शोल्डर ही है। अभी लेटरल रेजेस कर रहा था, इतनी गंदी पेन होने लग गई है ना इस वाले में। फिर अभी लाइट वेट ही करता हूँ, फिर देखता हूँ। वैसे भी आज लेग्स भी है, तो दो तीन लेग्स की करनी है, खास करनी है, और हैंड्स की, मतलब दो हैंड्स की और खास की करनी है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं। हाँ थोड़ा आर्म रेस्टिंग वगैरह करूँगा, कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ करके, क्योंकि इस हफ्ते कोई मैंने बेंच में प्रैक्टिस नहीं कर रही, मतलब गेम में प्रैक्टिस नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत देखते हैं आज, तो शाम को आते हैं दो तीन बंदे, तो उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी थारा था बैंक रहा जिस समय उनके, तो उनके साथ खेल के मज़ा आता है, तो देखेंगे आज। और एक साला बैंक एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब पानी सही है यार, बैंक पानी वानी पिला देता है बस, कोई की बहुत आता है, ये करते रहता है, छाती दिखाता है। देखो चल जाए एक्सरसाइज कर, साले बिना गाली खाए तो एक्सरसाइज नहीं करेगा लग रहा है। ये कौन क्या लिखा पढ़ता? नहीं नहीं ये छाती मत दिखाओ, एक बार दिखा क्या लिखा है। क्या तू लौंडिया हो रही है तू? क्या लिखा ये? एबी बरा क्या लिखा है ना भाई? सेकंड कॉपी भी लेनी होती है ना, इतनी सेकंड कॉपी भी मत ले कि सेकंड कॉपी शर्मा जाए बहन। चलो भाई लोग शोल्डर की तो हो गई एक्सरसाइज यार, मेंटली ऐसे करके कर रहा ना, अपर इंजरी तो हुई है इस वाले में, चार एक्सरसाइज हो गई, तीन लेग्स की करनी है। तो आगे जरा इस बार बहुत ज्यादा आमदनी है, तो फिर उनके साथ काम रेस्टिंग वगैरह करने के लिए सही होगा। मेरे थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है, अगर इंपैक्ट कर रहा है कम नहीं कर रहा है, फिर वे जो आम एक्सरसाइज करनी है और एक करनी है। अच्छा वैसे सही हो ही रहता है, क्या कहते हैं, थोड़े उजाला हुए रहता है तो ठीक हो जाता है, मन मेरा हो जाता है सही। यहाँ ट्रेडिंग भी करो नीचे देखो, यहाँ से सही दिखे रहता है यार पूरा, वैसे देखा जाए तो आराम से। सामने ही यहाँ ट्रेडिंग भागो, सामने ही खाने चले जाओ समोसा वमोसा, समोसा जी उधर गया। फिर जिस दिन वैसे जिस दिन मौसम साफ रहता है ना, पीछे पहाड़ बड़े सही दिखते हैं, व्यू वगैरह सही आया रहता है। व्यू हो गया पीछे तरफ यहाँ से दोनों तरफ से, तो चलो फिर अब लेग्स करने जाते हैं। फिर बैठ गया सर, उसको बाल पकड़ के जाना पड़ेगा। तो भाई लोगों ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बताना ब्लॉग कैसा लगा करके। अब ये फर्स्ट ब्लॉग था, तो थोड़ा बहुत मार खाएगा रहेगा, दोबारा बना दो। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ब्लॉग कैसा लगा बताना। अभी फर्स्ट ब्लॉग था तो हंसी मौजूद बना रखे हैं, बताना कि कैसे क्या बताना करके, तो फिर देखी जाएगी, फिर बनाता आगे को। तो लाइक कर देना, लाइक कर देना।
कमेंट कर देना कि कैसे क्या चीज़ है।